दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल। एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक खास जानकारी के साथ। और दोस्तों आज एक फार्म पर हूं दोस्तों। यहां पर समेकित रूप से मुर्गी का पालन और बतख का पालन हो रहा है, दोनों एक साथ होता है यहां पर। और जो मुर्गी का पालन जो यहां पर दोस्त हो रहा है वो अंडे के लिए भी हो रहा है और मांस के लिए भी हो रहा है। गुलशन जी इस फार्म के ओनर है। आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, खास करके सोनाली मुर्गी का पालन करना चाहते हैं या तो फिर बतख का पालन करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारे रास्ते आपको कमाने के मिल जाते हैं, जैसा कि इनको मिला है, आपको भी मिल सकता है अगर आप इस तरह के काम करें तो। ओवरव्यू तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर मुर्गी का भी पालन होता है, बतख का भी पालन होता है, अंडे के लिए भी और मांस के लिए भी। शुरू में तो ये मांस के लिए किए थे, लेकिन जैसे जैसे इनको लगा कि नहीं चलिए अब इसको अंडे के लिए भी किया जाना चाहिए, तो अंडे के लिए भी किए। उसके बाद फिर एक स्टेप और आगे आए और फिर चूजे निकालना शुरू किए, खुद का होममेड हैचरी लगाएं और घर से ही चूजे तैयार करके। छोटे छोटे जो किसान हैं, शुरुआत वो भी छोटे से किए थे, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कम स्तर से शुरू जब से करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ से चूजे भी प्राप्त होते हैं, चूजे भी वो देते हैं उनको। तो ये जो कुछ भी हुआ है, हमारे साथ सुदामा जी है, इनके इससे पहले भी इनके साथ मेरा वीडियो आया था ग्रो माइंड यूट्यूब चैनल पर, तो इनकी वजह से हुआ है, इनके मार्गदर्शन में लगाए हैं, बढ़िया कमाई भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सुदामा जी से बात करते हैं। स्वागत है सुदामा जी हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है सर, नमस्कार। तो आपके दिशा निर्देशन मार्गदर्शन पर ये फार्म चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनकी कमाई हो पाती है जो आपने बताया था इनको कि हाँ इस तरह से अगर काम करेंगे तो ज़्यादा कमाई आपकी हो जाएगी, तो क्या इनकी कमाई होती है? जी जी, यहाँ से बहुत अच्छे इनको कमाई हो रहा है, इसलिए कि ये तो सोचे थे कि हम मांस के पर्पज़ से रखेंगे, मगर हमने इनको सलाह दी कि देखिए आप अंडे के पर्पज़ से रखिए, इसको बच्चा भी बेचिए निकाल करके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मशीन लगवाए हमसे, और पहले तो एक लिए मशीन, इसके बाद फिर दो लिए मशीन लगा रहे हैं, अभी बच्चा सेल कर रहे हैं, कुछ बच्चा भी यहाँ देखिएगा तो मिल जाएगा बत्तख का। जी, बत्तख और मुर्गी का भी? जी हाँ, मुर्गी का भी। तो मुर्गी का तो अभी नहीं है, दो चार दिन में निकलेगा, मगर वो सेल हो गया था, जो 800 निकला था तो सेल हो गया, और अभी बत्तख का भी बच्चा है। बत्तख का बच्चा है, यानी कि कोई भी किसान जो सामने से देख रहे हैं अगर बत्तख का या तो मुर्गी का बच्चा चूजा अगर लेना चाहे तो आपके द्वारा वो ले सकते हैं? हाँ हाँ, मेरा द्वारा मिल जाएगा उनको, आराम से मिल जाएगा। तो ये बताइए कि अगर ये मांस के लिए पर्पज़ से काम करते हैं, पहले भी करते थे, शुरुआत किए थे मांस के पर्पज़ से सोनाली मुर्गी का, आज भी कर रहे हैं, फिर कुछ इनका पेरेंट्स बढ़े जिससे वो अंडे प्राप्त करते हैं, तो मांस की अगर बात करें तो कैसे यहाँ पर इनका बिक जाता है? होलसेलर को देते हैं या फिर यहीं से रिटेल करवाते हैं? मांस के लिए तो अभी होलसेलर के नहीं दिए हैं, मगर यहाँ रिटेल में सर 400 रुपये के जी बिकता है, और आराम से ले जाते हैं लोग। 400 रुपये के जी? हाँ, आराम से ले जाते हैं लोग, आराम से 400 रुपये के जी ले जाते हैं लोग। अब कोई सोनाली मुर्गी का पालन करे अंडे के पर्पज़ से, तो 5 महीने के बाद तो वो अंडा देना शुरू करेगी। जी, तो क्या उसका खान पान होना चाहिए, इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। ये खान पान तो सर देखिए, लोग बोलते हैं कि लेयर फीड खिलाइए, तो ये खिलाइए वो खिलाइए, तो ग्रोवर खिलाइए, तो बॉयलर फीड खिलाइए, तो फिर स्टार्टर तो स्टार्टर खिलाइए। आपको नज़र में देख रहे होंगे, अगर हुआ यहाँ पर धान है, अजोला ला कर देते हैं, यहाँ पर घास खिलाते हैं, जो अजोला तो अभी फ्री में मिल जाता है, नहर से छान छान के लाते हैं लोग, ला करके यहाँ दे देते हैं अपना आराम से। नहर में अजोला होता है अभी? उसका वीडियो भी मेरा चैनल पर डाल दिया है हमने, क्या लोग कमेंट करते थे, फ़ोन करते थे कि कहाँ से मिलेगा, फ्री में हम लोग का तरफ अजोला मिलता है। तो कुछ डाल दिया था क्या? नहीं नहीं, डाले का वो प्रतीक देन है, ऐसा थोड़ी ना, पहले लोग खेती करते थे ऐसा है, कहिएगा तो ये देखिए इसमें जो नज़र आ रहा हो सर, ये छान के ला कर डाला जाता है, कल नहीं था आज इसमें है, फिर आज खत्म हो जाएगा, फिर कल इसमें ला के डाल दिया जाएगा। फीड में अधिकतर इनका जो शामिल है अजोला है? जी अजोला है, ज़्यादा हरा चारा रहता है और धान रहता है। कंपनी फीड पर ये भरोसा नहीं करते हैं, जो भी है सो होममेड फीड देते हैं? जी जी, और जो भी फार्मिंग होती है होममेड फीड पर ही फार्मिंग होती है? जी होममेड फीड पर फार्मिंग होता है, कम खर्च में? जी कम, एकदम कम से कम कहीं 25% खर्च में इनको। अगर आपको कोई भी अगर कंपनी फीड पर भरोसा करे, कंपनी फीड पर अगर जो फार्मिंग करे, तो उनको 100 रुपये अगर खर्च होगा तो इनका 25 रुपये खर्च होता है? हाँ हाँ, आराम से सर। और उसी लिए तो फार्म बंद हो जाता है कि लोग के बोलते हैं कि इतना हमको लागत लग गया सर, प्रॉफिट न हो रहा, इतना का फीड खिला दिए, इसीलिए होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा मत करें, आप हरा चारा पर भरोसा करिए, कुछ हल्का फल्का धान खिलाइए, हरा चारा तो देखिए मेहनत करने के बाद सर सब कुछ होता है, नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं, जो इन्होंने होममेड हैचरी लगाया है आपके द्वारा, आपने इनको दिया है, तो जो लोग भी फार्मिंग कर रहे हैं फिलहाल, अगर वो भी अगर अंडे के पर्पज़ से और आपके द्वारा वो हैची लगा करके चूजे निकालने का काम भी शुरू कर दे, तो कैसे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा? देखिए चूजा के बड़ा तरह के सर, आप होममेड हैची लगाएंगे तो उनको तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, काहे कि उनको जो कि बच्चे में ज़्यादा प्रॉफिट होता है,
क्या कि अगर अंडा के लिए रखे हैं तो ज़्यादा मांस के लिए रखिएगा तो 3 महीना के बाद बेचना होगा। और अंडा के लिए होता है कि आप अंडा भी सेल कर सकते हैं, आप उसको बच्चा भी सेल करते हैं। ठीक है, अंडा के लिए सर है कि आप अंडा बेचेगा तो 10 रुपये मात्र बिकेगा, 10 नहीं 11 में बेचेगा जो भी बिकेगा, मगर बच्चा तो है कम से कम 20 से ऊपर ही रहेगा, 20 से तो नीचे रहेगा नहीं। कितने परसेंट की उसमें फैसिलिटी आती है सर? देखिए तो इनको पास तो जब भी दिए हैं तो 85-90 के बीच रहा है, यानी कि 100 अंडे में से 15 अंडे खराब होते हैं। हाँ, काहे कि हम देखिए अभी उनका थोड़ा सा मशीन दिए थे तो गर्मी का मौसम था, तब भी 1000 अंडा में से उनको 800 बच्चा निकला था आराम से, बोले अरसुदामा जी 800 बच्चा निकला है, 1000 में से 800 बच्चा। हाँ, तब की अंडा भी था कम से कम 8-9 दिन का अंडा भी था। हाँ, तो इसमें एक और सवाल है कि जो लोग भी फार्मिंग कर रहे थे, ठीक है आपके पास 500 कैपेसिटी का इनके पास होगा, मान लीजिए मुर्गी आज अंडा दी तो कितने दिन के बाद उसको हैचरी में लगाया जा सकता है? ये कम से कम होगा तो 4 दिन का अंडा लगा सकते हैं, अगर उससे और सोचते हैं कि हम ज़्यादा रख सकते हैं तो सुन के लिए उपाय करने पड़ेगा रखने के लिए, ठंडे जगह पर रखना। हाँ, ठंडा देसी उपाय करने पड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, हाड़ा का जो अथी घैला आता है मिट्टी का घीला, घैला में क्या करिए उसको चारों पट्टी उसको गड्ढा खान के बालू रख दीजिए, बस उसमें जूत का बोड़ा होता है उसको भींगा कर लपेट दिए उसमें रखिए, 8 दिन तक रहेगा एकदम ठंडा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं, वहाँ यहाँ पर किए हैं हम लोग। सुदामा जी, बहुत दिन से आप होममेड हैचरी निर्माण करके लोग किसानों को दे रहे हैं, तो कुछ तरक्की किए हैं या नहीं किए हैं कि सिर्फ वही होममेड वाला किया कि ऑटोमेटिक वगैरह पर बनाना शुरू किए हैं? ऑटोमेटिक बनाए हैं सर, ऑटोमेटिक बना के दिए हैं, और एक फिर 5000 का है, दो चार दिन में पैसा लगेगा बोल रहे हैं, उनको समस्तीपुर के हैं, इससे गोपालगंज में 3000 का गया है मशीन। हाँ, और ऐसा नहीं है मशीन, देखिए जाने के लिए तो बहुत जगह गया, हम उतना को हम वीडियो नहीं बना सकते हैं जा करके, संभव नहीं है, झारखंड हो या अथी बिहार हो या रांची हो। अभी लगभग कितने मशीन बेच चुके हैं सर? अभी तो हम कहिएगा तो हम यहाँ पर तो लिए हो नहीं है अथी पर्ची, मगर कम से कम रखे हुए रूम पर कम से कम 100 को बेच दिए होंगे। 100 बेच चुके हैं? हाँ, 100 बेच चुके हैं। और अभी फिलहाल जो ऑटोमेटिक बिल्कुल नया आपका मशीन जो बना है ऑटोमेटिक वाला, वो शायद अपने से मूव करता है ना वो? हाँ, मूव करता है अपने से, तो वो मूव करता है। तो अभी तक कितने मशीन वो बना कर दिए हैं लोग? अभी 2, एक ठो 500 का बेचे थे, एक ठो 3000 के बेचे, एक ठो 5000 वाले, 2-4 दिन में वो भी ऑर्डर लग जाएगा। अच्छा, सबसे कम पैसे वाला जो हैचरी है कितने में आप लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं? सबसे 200 अंडे का देते हैं सबसे कम। अच्छा, कितने में उपलब्ध हो जाता है वो? 7000 पड़ेगा सर। 7000 जी। और ऑटोमेटिक वाला 500 वाला? 500 वाला ऑटोमेटिक तो थोड़ा महंगा पड़ता है सर। कितना वो कब पड़ेगा? 30000। 30000 जी। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है हैचरी आपके द्वारा वो लगाएं, तो उसकी ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितने दिन की हैचबिलिटी होती है, मुर्गे का अलग होता है, मुर्गी का अलग होता है, बतख का अलग होता है, बटेर का अलग होता है, तो वो जानकारी कहाँ से मिलेगी? सब हम देते हैं सर, जब तक हम बोले हैं कि जब तक जिनका मशीन देंगे बच्चा एक बार ना निकल जाए तो हमारा सपोर्ट रहेगा। अब ऐसा नहीं है कहेंगे तो हम एक नहीं 4 कस्टमर को हम बार बार वीडियो बोल दें कि हम दे देंगे नंबर, उनसे पूछ लीजिए कि सुदामा जी हेल्प करते हैं या नहीं करते, इतना तक करते हैं कि मशीन कैसा चलाना चाहिए, जब मशीन चला रहे हैं तो जब बच्चा के लिए बच्चा का ब्रूडिंग कैसे करना चाहिए, कौन दावा देना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, मार्केटिंग के लिए बोलते हैं, कितना बोलते हैं कि सर हमको बड़ा मुर्गा हो गया बिचवा दी तो वो बिचवा देते हैं, मगर हमका कोई कमीशन नहीं लेते हैं, जो अपना बता दिए कि यहाँ पर नंबर दे दिए अपना बात कर लीजिए बेच दीजिए। बहुत सारे फार्मर का कॉल आता है कि सोनाली मुर्गी हमारे यहाँ सर तैयार हो गया, बिक नहीं रहा है, या तो फिर जो लोग अंडे के पर्पज से काम करते हैं यूट्यूब का वीडियो देख करके बिना कोई मार्केटिंग के, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ अंडे तो तैयार हो गए लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या उनकी आप मदद करेंगे? हाँ, मदद करेंगे, जरूर करेंगे, इनके मदद की है, 3000 अंडा पटना बेचवाएं, गर्मी में सारा गर्मी का अंडा बेचवा दिए, जो मशीन से फालतू अंडा बेचवा दिए, बिक गया आराम से चल गया, पटना गया या क्या बोलता है विक्रम पाली गया, बिहार शरीफ गया, खगड़िया गया। तो ये जो अभी फिलहाल फार्म है इनका, ये कितना एरिया में फैला हुआ है? तो ज़्यादा नहीं है सर, अभी तो ये लगता है कि मोटा मोटी 3-4 कट्ठा होगा। 4 कट्ठा में सोनाली मुर्गी कितने हैं और बतख कितने हैं? तो सोनाली तो 1500 के आसपास है, बतख लगता है कि 150 के आसपास है। 150 के जी। और कितने दिन हो गए इनको फार्मिंग में आए हुए? ये हो गया सर अब 2 साल होने वाला है। पैसा कमा रहे हैं? हाँ, पैसा तो अच्छा कमा रहे हैं। ये इस फार्म के जो ऑनर है अचानक निकल गए हैं वो पंजाब, नहीं तो उनसे भी आपकी मुलाकात जरूर करवाते, तो सुदामा जी ही कैमरा पर आए हुए हैं, इनके मित्र ही हैं वो, तो आगे की इनकी क्या योजना है आप तो कुछ डिस्कस किए होंगे? आगे का हम लोग का दोनों का प्लान है, दोनों का मिल करके कम से कम 5 बीघा का ऐसे बात किए हैं, एक जगह जमीन का 5 बीघा में करने का प्लान है, जो 5 बीघा में फार्मिंग करना, जिसमें बकरी रहेगा, डॉग रहेगा, मतलब बत्तख रहेगा, मुर्गी रहेगा, बटेर रहेगा,
गिनी फॉल रहेगा, हंस रहेगा, टर्की रहेगा, सारे चीज़ सुविधा मिलेगा। यानी कि 5 बीघा में जो फार्मिंग करने की सोच रहे हैं आप लोग, जमीन भी शायद आप चिन्हित कर लिए हैं, वहाँ पर बकरी पालन भी करेंगे यानी गोट फार्मिंग भी करेंगे, डक फार्मिंग भी करेंगे, गिनी फॉल की फार्मिंग करेंगे, टर्की फार्मिंग करेंगे, सोनाली मुर्गी की फार्मिंग तो करेंगे ही करेंगे, और बटेर की भी फार्मिंग करेंगे। जी जी, सब पर ये पे सब पर हम लोग का काम होगा। सुदामा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दोस्तों को दिया, और दोस्तों आपको आज रियल टाइम एक्सपीरियंस मिला होगा आज के वीडियो में। तो अगर आप भी इस तरह से फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, आप इस तरह के फार्मिंग करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर सुदामा जी का नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का कंप्लीट एड्रेस रहेगा, आप आइए विजिट कीजिए, या तो फिर फोन दिए गए फ़ोन नंबर पर सुदामा जी से संपर्क कीजिए। तो इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे दोस्तों, बने रहिएगा ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ, तब तक के लिए